Hello friends, welcome back to our channel English Speaking with Gary. This is daily use sentence in proper manner lecture 12. ठीक है friends, जो पहले दिन मेरा जो lecture देख रहे हैं और जो पहले देख रहे हैं उन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया, वो नीचे red color का button है subscribe का, वो press कर लें ताकि आप एक भी lecture से आप रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप सारे lecture आसानी से देख सकें। तो इसीलिए आप मेरा जो button इसका जो नीचे है सब्सक्राइब का वो प्रेस कर अभी। देन स्टार्ट करते हैं हम आज का जो डे है रीक। आज का पहला सेंटेंस है रीक। रीक माने बदबू, बैड स्मेल, बुरी स्मेल आती है ना जो हमें, उसे कहते हैं रीक। तो जो रीक है, देयर इज ए, उसका सेंटेंस बनाते हैं हम, देयर इज ए टू मच रीक, वहां पर बहुत बदबू है, वहाँ पर बहुत बुरी स्मेल है। तो कैसे कहेंगे, हम कहते हैं ना अक्सर कि वहाँ पे तो भाई बहुत बुरी स्मेल आ रही है, देन देर इज़ ए टू मच रीक। तो उसे कैसे कहेंगे, देर इज़ ए टू मच रीक, उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे स्मेल आ रही है। सिमिलर वर्ड्स देख लीजिए इसके, रीक की जगह पे कहीं भी लिखा सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, लेटेस्ट आप कुछ और पढ़ रहे हों, ट्रिब्यून पढ़ रहे हों, उसमें से जो वोकैबुलरी आ सकती है वो आपको बता दूँ। रिक की जगह पे कहीं स्टेंच भी लिखा हो सकता है, फेटर, एफ ई टी ओ आर, फेटर, मेफिटिस, एम ई पी एच आई टी आई एस, मेफिटिस, स्टिंक या फ्यूम, कुछ भी लिखा हो सकता है। देर इज़ ए टू मच रिक, देर इज़ ए टू मच स्टेंच, देर इज़ टू मच फेटर, मेफिटिस, देर इज़ टू मच स्टिंक एंड फ्यूम। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, इसका मतलब बदबू ही होता है, बैड स्मेल ही होता है इन सारों वर्ड्स का मतलब। और ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं वो उसमें ट्रिब्यून वाली इंग्लिश में, या जो हाईली इंग्लिश होती है उसमें जो जनरेट होते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज थोड़ा ढीला कर दो, हम कहते हैं ना कि भाई थोड़ा ढीला कर दो, तो क्या कहेंगे थोड़ा ढीला कर दो को, लूज अ लिटल, थोड़ा ढीला कर दे नहीं कहना, कर दो नहीं कहना, लूज अ लिटल, लूज ए लिटल, थोड़ा ढीला कर दो, लूज ए लिटल। और आगे कहना हो बालों को खुला छोड़ दो, बालों को खुला छोड़ दो, तो कैसे कहेंगे, Let your hair loose, कैसे कहेंगे, let your hair loose, या हम कहते हैं ना कि भाई डॉगी को खुला छोड़ दो, let your doggy loose, ठीक है, let your hair loose, इससे आप बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ना, क्या आपका दांत हिल रहा है ना, क्या आपका दांत हिल रहा है, हैव यू अ लूज टीथ, क्या आपका दांत हिल रहा है, हम पूछते हैं ना, करता है कोई दांत पकड़ कर बैठा होता है, क्या आपका दांत में दर्द है, या तो आपका दांत हिल रहा है, हैव यू ए लूज टीथ, क्या आपका दांत हिल रहा है, क्या आपके दांत में दर्द है, तो कैसे कहेंगे यहां से, हैव यू अ लूज टीथ। एक हम कहते हैं बदतमीजी मत करो, हम कह देते हैं ना बच्चों से अक्सर बदतमीजी मत करो, किसी और बड़े से भी कह सकते हैं बदतमीजी मत करो, तो उसे कैसे कहेंगे, डोंट, वैसे तो ये ऑर्डिनरी है पर कई बार दिमाग में नहीं आता, मिसबिहेव, ये एम भी छोटा ही डालना, मैंने आपके लिए अपीयर होने के लिए बड़ा डाल दिया, डोंट मिसबिहेव, कि भाई बदतमीजी मत करो, समय के साथ सोच को बदलो, समय के साथ सोच को बदलो। हम कहते हैं ना कि भाई यार मेरा काम नहीं चल रहा, मैं तो भाई बहुत हो गया, हम कहते हैं भाई समय के साथ सोच को बदलो, चीज़ें अपग्रेड करो, तो कैसे कहेंगे, मूव विद द टाइम्स, मूव
विद द टाइम्स, भाई समय के साथ सोच को बदलो, मूव विद द टाइम्स, रोना धोना बंद करो, कह देते हैं ना कि भाई रोना धोना बंद करो तो चलो चलें, स्टॉप फजिंग, तमाशा मत करो, हम कहते हैं ना तमाशा मत करो, तो कैसे कहेंगे तमाशा मत करो, तमाशा और रोना धोना दोनों के लिए फज यूज हो सकता है, फजिंग यूज हो सकता है, रोना धोना बंद करो, स्टॉप फजिंग, तमाशा मत करो यहाँ पे, ठीक है ना, घर जाके देख लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, डोंट मेक अ फज, तमाशा ना कर, तो भाई रोना धोना बंद करो, स्टॉप फजिंग। किसी ने पेंसिल कॉपी लेकर लिखना है तो वो भी लिख सकता है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है, हम कहते हैं ना नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी बंदा कहता है कि ऐसा हो रहा है, हम कहते हैं भाई क्या तुम्हें पूरा विश्वास है, आर यू क्वाइट श्योर, आर यू क्वाइट श्योर, क्या आपको पूरा विश्वास है, तो उसके कैसे कहना है यहाँ से, आर यू क्वाइट श्योर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई आपके टायर में हवा नहीं है, हम कहते हैं ना अक्सर जाते हुए किसी का टायर पंचर होता है तो हम उसे बेचारे को इंटीमेट कर देते हैं कि आपके टायर में हवा नहीं है, तो उसे कैसे कहेंगे, द टायर has gone down, the tire has gone down, उसी आगे से ऐसे कहेंगे, जो ये था हमारा दोस्तों आज का लास्ट सेंटेंस है ना, आई होप यू लविंग टू सी माई वीडियोज एंड आई एम लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस आई थिंक सो, टिल देन वी कैन मीट विद अवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।